क्या हमारी लाइफ में हमारे सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं? मेरे तो नहीं हुए और शायद आपके भी नहीं हुए। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे सिग्नेचर हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे हमने अपने करियर की स्टार्टिंग में सिग्नेचर करना सीखा था, जब हमें सिखाया गया था कि हमें सिग्नेचर कैसे करने हैं। और सिग्नेचर नॉर्मली सिखाए नहीं जाते, वो अंदर से निकल कर आते हैं कि हमारे सिग्नेचर कैसे होंगे। और हमारे सिग्नेचर ही हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। ये आम धारणा है, मैं भी ऐसा मानता हूँ। ऐसे ही कुछ डेवलपर हैं जिनके सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, नहीं बदलते उनकी अच्छाइयों में, नहीं बदलते उनकी टाइमली डिलीवरी में, नहीं बदलते उनकी कमिटमेंट्स में, नहीं बदलते उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, और ना ही उनके सिग्नेचर बदलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में। ऐसा ही एक गुड़गांव का डेवलपर है जिसका सिग्नेचर, जब से मैंने उसको इंडस्ट्री के अंदर देखा है तब से ऐसे ही देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल उसी अपनी टैगलाइन पर चल रहा है, अपने प्रिंसिपल्स पर चल रहा है, जिसने हमेशा टाइमली डिलीवरी दी है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन दी है, और उसने हमेशा ध्यान रखा है उस तबके का जिनका बजट कम होता है। बिल्डर है सिग्नेचर ग्लोबल, इसीलिए मैंने आज की शुरुआत सिग्नेचर से करी थी, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसा डेवलपर है जिसने गुड़गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और गुड़गांव को भी एक अलग पहचान दी है। मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेकर आया, चाहे अफोर्डेबल की बात करें, चाहे हम उसके कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करें, और इवन अब तो सिग्नेचर ग्लोबल लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर भी एंटर कर चुका है, जिसके अंदर उसने बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उस अपना विजन बताया कि उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका क्या विजन रहेगा सिग्नेचर ग्लोबल का। लोगों ने उस विजन को, कस्टमर्स ने उस विजन को एक्सेप्ट किया और सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर उनका ट्रस्ट और बढ़ा। मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और आपके सिग्नेचर भी चेकबुक के ऊपर हो रहे होंगे, क्योंकि आप एक बेहतरीन कस्टमर है और बेहतरीन इन्वेस्टर है। तो ये टाइम है बिल्कुल सही कि अगर आप एंड यूजर हैं तो भी आप मार्केट के अंदर एंटर करें, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी ये राइट टाइम है आपका मार्केट के अंदर एंटर करने का। सिग्नेचर ग्लोबल आपके लिए वही अपॉर्चुनिटी एक लेकर आया है। क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप एज ए इन्वेस्टर और आप एज ए एंड यूजर दोनों तरीके से एंटर कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की और बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के उस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट जस्ट अभी मार्केट के अंदर लॉन्च होने ही वाला है। लेकिन लॉन्च होने से पहले ही इसका रिस्पांस मार्केट के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। गैलरी इसकी रेडी हो चुकी है, गैलरी के अंदर ब्रोकर्स का और विजिटर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। आप गैलरी में विजिट कर देखें कि लोग हाथों हाथ इस प्रोजेक्ट को कैश करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर बात करें हम प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो लोकेशन वाकई में बहुत प्राइम लोकेशन है, ऑन द बैंक ऑफ सोना एलिवेटेड रोड। बिल्कुल सोना रोड पर ही ये प्रोजेक्ट है। आपके लिए ये भी नहीं कहूंगा कि 100 मीटर अंदर है, नहीं, आपका एक पैर सोना एलिवेटेड रोड पर है और दूसरा प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल पर है। ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसी लोकेशन है, ऐसी ही लोकेशन पर ये सिग्नेचर ग्लोबल अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर रहेंगे लो राइज फ्लोर्स। लो राइज फ्लोर्स भी वो जिसके अंदर बिल्डर बना रहा है स्टेट प्लस 4, क्योंकि स्टेट प्लस 4 अब पास हो चुकी है, डेवलपर्स ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप थोड़ा सा रुकेंगे तो आप खुद देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई बिल्डर फ्लोर्स के अंदर अब एकदम से बढ़ेगी, जिसकी वजह से बिल्डर फ्लोर्स के अंदर एप्रिसिएशन अब बहुत ज्यादा आएगी। तब भी मैंने आपको यही सलाह दी थी कि इट्स द राइट टाइम, कि अगर आप एंड यूजर हैं तो भी आपको अभी एंटर करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी आपको
अभी एंटर करना चाहिए। तो यही अपॉर्चुनिटी सिग्नेचर ग्लोबल आपके सामने लेकर आया है। लैंड की बात करें तो लगभग 145 एकड़ के आसपास का ये लैंड पैच है, बहुत बड़ा लैंड पैच है। मैंने खुद विजिट किया है, मैंने खुद उस लैंड को देखा है, दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर लैंड है, बिल्कुल क्लियर लैंड है। कोई वहां पे रेवेन्यू रास्ता नहीं है, कोई गांव का लगता हुआ एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लैंड है ये, जिसके अंदर बिल्डर लगभग 2100 फ्लोर्स लेकर आ रहा है। अभी फेस वन लॉन्च किया है इन्होंने, जिसके अंदर लगभग 600 फ्लोर लेकर आ रहे हैं। प्लॉट का साइज इसके अंदर लगभग 170 स्क्वायर यार्ड के आसपास का रहेगा, जो ऑन एन एवरेज साइज रहेगा। और अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर का जो एरिया रहेगा वो लगभग 1550 स्क्वायर फीट का रहेगा। 1550 स्क्वायर फीट के अंदर आपको मिलेगा 3 BHK। ये यूनिफॉर्म साइज लाए हैं इसके अंदर 1550 स्क्वायर फीट का, अलग अलग साइजेस नहीं होंगे। तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी लोकेशन पर कोई भी फ्लोर लेंगे, वो आपको वही 3 BHK का 1550 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज आपको इसके अंदर मिलेगा। स्टील प्लस फोर का स्ट्रक्चर होगा इसका, बेसमेंट इसके अंदर नहीं होगी। एज पर हरियाणा गवर्नमेंट गाइडलाइंस 250 मीटर से नीचे अब बेसमेंट नहीं बन सकती है, तो इसके अंदर भी बेसमेंट नहीं होगी। रूफ राइट इसके अंदर 4th फ्लोर को ही मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर माइवन होगी, तो कंस्ट्रक्शन अच्छी रहेगी। रोड्स इसके अंदर अच्छी हैं, पार्क्स अच्छे हैं, इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको बताया कि गैलरी इसकी ऑपरेशनल हो चुकी है, पार्क्स इसके डेवलप हो चुके हैं, रोड्स अंदर डेवलप हो चुकी हैं। प्राइम लोकेशन पर ये प्राइम प्रॉपर्टी है और ये लो टिकट साइज प्रॉपर्टी है। तो अगर आपका बजट कम है और आप लग्जरी सेगमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। देर ना करें, इसकी और जो जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप इसकी साइट विजिट करें, और अभी एक सही वक्त है कि आप अगर प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, एक प्राइम लोकेशन के ऊपर आप फ्लोर लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे इन्वेंट्री उतनी ही निकलेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप देखिएगा कि आपको कुछ ही दिनों में सुनाई देगा कि ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। क्योंकि लो सेगमेंट के क्लाइंट्स इस तरीके के प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, और सिग्नेचर ग्लोबल जो पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहा था, वो फाइनली फिर से अपने साथ में लो टिकट साइज का फ्लोर का एक प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसका लोगों को इंतजार था, और लोग फिर से सिग्नेचर ग्लोबल के ऊपर भरोसा करेंगे और फिर से उनके इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की। इसकी लोकेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सोना एलिवेटेड रोड पर लोकेटेड है। अब सोना एलिवेटेड रोड पर कहां पर लोकेटेड है मैं आपको वो बताता हूं। अगर आप सोना एलिवेटेड रोड पर जब भी गए हो, आपने टोल देखा होगा, तो इस प्रोजेक्ट की एंट्री 2 जगह से आपको मिलेगी। अगर आप सोना की साइड से आ रहे हैं तो भी आपको टोल से पहले इसकी एंट्री मिलेगी, और अगर आप गुड़गांव से सोना की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको टोल से पहले ही एंट्री मिलेगी। इसकी 2 एंट्री रहेंगी, यानी कि टोल के आगे भी और टोल से पहले भी। तो दोनों तरफ से अगर आप आ जा रहे हैं तो आपको टोल से पहले ही आपको इसकी एंट्री मिल जाएगी। प्राइम लोकेशन पर प्राइम प्रॉपर्टी। एक बार फिर मैं आपको इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। लगभग 145 एकड़ के करीब की इसका लैंड एरिया है, जिसके अंदर मल्टीपल फेसेस आएंगे। अभी फर्स्ट फेस बिल्डर लॉन्च कर रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 600 फ्लोर्स लेकर आ रहे हैं। साइज इसके अंदर लगभग 1550 स्क्वायर फीट का रहेगा। स्टिल प्लस फोर का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। बेसमेंट इसके अंदर नहीं होगी। रूफ राइट इसके अंदर 4th फ्लोर को मिलेगा। 3 BHK 1550 स्क्वायर फीट के अंदर ये प्रॉपर्टी है। 30,000 स्क्वायर फीट का इसमें फेस वन का क्लब होगा। अलग अलग फेसेस में अलग अलग क्लब होंगे। इसके साथ साथ कमर्शियल की लैंड भी है इसके अंदर, जहां पर बिल्डर फ्यूचर में कमर्शियल भी लेकर आएगा। रोड्स का काम कंप्लीट हो चुका है, पार्क्स का काम कंप्लीट हो चुका है, गैलरी कंप्लीट हो चुकी है, गैलरी में विजिट ऑलरेडी हो रही है। हम आपका भी वेट कर रहे हैं कि आप भी हमें कॉल करेंगे, अपनी विजिट बुक करेंगे, गैलरी में आएंगे और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट प्रेजेंटेशन लेंगे। तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी इस कंप्लीट प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, हमारी टीम से बात करें, आपको इसकी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साइट प्लान, लेआउट प्लान, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
तो वेट कर रहे हैं हम आपके कॉल का, और बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। तो वो लग्जरी प्रोजेक्ट भी हो सकता है और वो प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो आपका पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और फिर लास्ट में, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हम जो वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो वाकई में इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, आपके काम की वीडियो हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएं, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट करें या हमें कॉल करें और सजेस्ट करें कि हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। विदा लेता हूँ आपसे और फिर आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।